दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एमबिट के कुछ ऐसे नए अपडेट निकल के आए हैं जो कि इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप लोग एमबिट यूजर हैं तो वीडियो को प्रॉपर वॉच करें, और आप लोग एक नए यूजर हैं यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग को नहीं पता है कि एमबिट क्या चीज है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एमबिट आप लोगों को एक फोटो स्टेटस मेकर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोग ढेरों सारे यहाँ पे पार्टिकल्स लगा सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है एमबिट आप लोग फर्स्ट टाइम अगर यूज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया हूँ, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि एमबिट के अंदर क्या क्या आप लोगों को नया अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों एमबिट एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को बहुत सारे अपडेट देखने को मिलेंगे, लेकिन अपडेट को अच्छे से जानना है, सीखना है तो वीडियो पूरा फुल आप लोगों को वॉच करना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं अपना जो एमबिट एप्लीकेशन है उसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे पहला अपडेट है मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर जो पार्टिकल इफेक्ट और ट्रांजेक्शन थे उसके अंदर बग चल रहा था, उस बग को फिक्स कर दिया गया है, अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा वो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लोर एमबिट के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लोर एमबिट है, साइड में आप लोग को सी ऑल देखने को मिल रहा है, इस पर दोस्तों सिंपल सा आप लोगों को क्लिक कर लेना है। सी ऑल पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 6 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर 4 जो यहाँ पे ऑप्शन है ये काम का आप लोग को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को मिलता है स्टेटस सेवर, यानी कि आप लोग अपने व्हाट्सएप के अंदर जो फोटो और वीडियो है उसको इस एप्लीकेशन की मदद से सेव कर सकते हैं एक क्लिक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंस्टा सेवर, जिसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि इंस्टाग्राम का जो आप लोगों को पोस्ट है वो पोस्ट आप लोग आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद नेक्स्ट आता है MP3 कटर, ये तो पहले से ही अवेलेबल था लेकिन इसके अंदर कुछ बग चल रहा था, उस बग को फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद आता है पार्टिकल स्टोर, तो पार्टिकल स्टोर के अंदर आप लोग को अलग अलग यहाँ पे पार्टिकल ही देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले स्टेटस सेवर है दोस्तों, इस पर मैं क्लिक करूंगा। स्टेटस सेवर पर मैंने जैसे ही क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए सबसे नीचे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा व्हाट्सएप पे जाने के लिए बोल रहा होगा, तो आप लोग व्हाट्सएप पर फर्स्ट टाइम चले जाइए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को ऊपर वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फिर फोटो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फिर सेव का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कोई वीडियो अगर डालता है तो यहाँ पे देख लीजिए वीडियो आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो ये सेक्शन में आप लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फोटो पे मैं क्लिक करता हूँ तो फोटो यहाँ पे देख लीजिए देखने को मिल रहा है। तो चलिए ये फोटो को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा डाउनलोड पर आप लोग क्लिक करेंगे तो फाइनली आपकी गैलरी में ये डाउनलोड हो गया है। अगर ये फोटो को आप लोग को किसी को शेयर करना है तो शेयर पर क्लिक करेंगे, शेयर पर जैसे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पर करना है या फिर आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पर करना है, यहां से आप लोग आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ये जो फोटो है मैं व्हाट्सएप के अंदर आप लोग को बता देता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं ये जो व्हाट्सएप के अंदर ये फोटो था, यही फोटो आप लोग वहां से आसानी से एमबिट से सेव कर सकते हैं। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि व्हाट्सएप के स्टेटस और वीडियो को आप लोग कैसे सेव कर सकते हैं। अब चलिए यहां पे नेक्स्ट आता है हमारा इंस्टाग्राम का इंस्टा सेवर, तो चलिए यहां पे इंस्टा सेवर पर मैं क्लिक करता हूं। इंस्टा सेवर पर मैंने जैसे ही दोस्तों क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद यहां पे एक सेक्शन ओपन हो गया है पेस्ट पोस्ट लिंक, ओके। तो आप लोग को क्या करना है, अपना जो इंस्टाग्राम है उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम मेरा यूजर नेम मैं आप लोग को डिस्प्ले शो कर दूंगा, एपटेक हिंदी। अगर आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया तो जाइए फॉलो कर सकते हैं इस यूजर नेम को सर्च करके। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो गया है। अब यहाँ पे कोई सी भी एक पोस्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक पोस्ट कोई सी भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये तो चलिए देख लीजिए जस मनक का ये पोस्ट है, वीडियो है। तो इस पर आप लोग को क्या करना है, अगर इसको डाउनलोड करना है तो सिंपल सा 3 डॉट पर आप लोग को क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉपी लिंक है, कॉपी लिंक पर आप लोग को टैप करना है। उसके बाद लिंक को जैसे ही आप लोग दोस्तों कॉपी कर लेंगे उसके बाद होम पर जाना है, आपका एमबिट एप्लीकेशन जो है इंस्टा से और जो ओपन करे आपने यहाँ पर लिंक को दोस्तों पेस्ट कर लेना है। जैसे ही लिंक को पेस्ट करेंगे तो साइड में आप लोग को डाउनलोड का सिम्बॉल देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो फाइनली देख लीजिए ये जो वीडियो है आ चुका है, और इस वीडियो को डाउनलोड करना है तो नीचे सिंपल सा डाउनलोड पोस्ट पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड पोस्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसकी जो पोस्ट है उसके ऊपर उन्होंने 2 वीडियो डाला है, 1 वीडियो डाला है, फोटो डाला है, वो सारा कुछ डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं फाइनली डाउनलोड हो गया है। अब इसको शेयर करना है दोस्तों आप लोगों को, यहां पे देख लीजिए शेयर का ऑप्शन मिलता है,
यहां पे मैं टैप करूंगा और टैप करने के बाद यहां पे नीचे शेयर का ऑप्शन मिलता है, शेयर पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे WhatsApp पर या फिर मुझे स्टोरी पर शेयर करना है तो इस वीडियो को आसानी से शेयर कर सकता हूं। तो यहां पे देख लीजिए, ये दूसरी अपडेट भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, Insta शेयर के अंदर आप लोग स्टोरी सेव नहीं कर सकते, ओनली पोस्ट शेयर कर सकते हैं या फिर रीपोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है MP3 कटर का, तो चलिए ये भी मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। MP3 कटर को आप लोग टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहां पे देख लीजिए आपको जो भी सॉन्ग सिलेक्ट करना है वो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मचाएंगे जो एमवी बंधाई का सॉन्ग है, इसको हम यहां पे ये रिंगटोन बनाएंगे। ओके, तो सिंपल से आप लोग को क्या करना है, इस पर टैप करना है। साउंड को मैं म्यूट कर देता हूं क्योंकि यहां पे मुझे स्ट्राइक भी मिल सकती है। अब आपको जो सॉन्ग है आपका, वो सॉन्ग को जहां से आप लोग को कट करना है, जो डायलॉग है या फिर जो भी आपको पसंद आता है जहां से सॉन्ग, वहां से सिंपल सा इसको यहां तक लेके जाना है खींच के, और इधर से आप लोगों को उतने सेकंड का कर लेना है। चलिए यहां पे मैं 1 मिनट का ये ले लेता हूं सॉन्ग, 1 मिनट 30 सेकंड आप लोग को जितना लेना है ले सकते हैं। उसके बाद यहां पे सेव पर आप लोग को क्लिक करना है, सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन आप लोग, दो ऑप्शन मिलता है आपको, एक मिलता है सेट एज रिंगटोन और उसके बाद मिलता है शेयर का ऑप्शन। तो दो में से आप लोग को अगर अपने रिंगटोन पर सेट करना है तो सेट एज रिंगटोन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। अगर आपको शेयर करना है ये MP3 को, ये रिंगटोन को, तो आप लोग WhatsApp पर या फिर आपको जिस पे भी शेयर करना है कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आप लोग को थर्ड वाला जो ऑप्शन तो MP3 कटर वो भी बता दिया। अब नेक्स्ट जो अपडेट है वो आप लोग देख लीजिए, पार्टिकल स्टोर के अंदर आप लोग को बहुत सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। तो चलिए पार्टिकल स्टोर को मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, जनरल, लव, गॉड, बर्थडे, फेस्टिव, स्पोर्ट, ये सारे के अंदर आप लोगों को बहुत सारे यहां पे अपडेट देखने को मिलेंगे। अपडेट क्या चीज है मैं आप लोग को बता दूं, यहां पे जो आप लोग देख रहे हैं पार्टिकल, इसके अंदर बहुत सारे मिक्सिंग किया गया है, जैसे कि पहले 5 था पार्टिकल तो अब 10 कर दिया गया है। ऐसे आप लोग नए-नए पार्टिकल देखने को मिलेंगे। यहां पे देख लीजिए, ये तो जनरल है, लव पर क्लिक करेंगे तो लव के बहुत सारे पार्टिकल ऐड किया गया है इसके अंदर, ये गॉड का है, बर्थडे का है। अब एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, अगर दोस्तों आप लोग को जो भी पार्टिकल यूज करना है फ्री में, अगर आप लोग प्रीमियम फीचर इसका लेते हैं तो यहाँ पे कुछ आप लोग को अमाउंट पे करना होगा। तो इसका मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग को इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको जो भी पार्टिकल पसंद आता है उस पर आप लोग को टैप करना है। जैसा कि देख लीजिए ये है, ये सारे अभी लॉक है, इसको अनलॉक करना है तो सिंपल सा आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि देख लीजिए ये वाला है हैप्पी किस डे, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो अगर इसको मुझे अपने फोटो स्टेटस में यूज करना है ये पार्टिकल, तो सिंपल सा फ्री में अगर मैं को यूज करना है तो इसके लिए मुझे वीडियो को वाच करना होगा। तो वाच वीडियो पर मैं क्लिक कर लेता हूं और यहां पे कुछ एडवर्टाइज आएगी, एडवर्टाइज जो है यहां पे 15 सेकंड 30 सेकंड ऐसी आती है, तो इसको पूरा आपको फुल वाच करना है। अगर आप लोग बैक कर देते हैं तो ये अनलॉक नहीं होगा। तो देख लीजिए ये 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, अब यहां पे आप लोग को क्या करना है, इसको बैक करना है। ठीक है, जैसे ही बैक करेंगे तो यहां पे देख लीजिए हमारा पार्टिकल सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, अब यहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हैप्पी किस डे जो पार्टिकल है यहां पे मैं आप लोग को अब बताने वाला हूं। यहां पे हम एक हमारी जो पीक है, फोटो है, उसको यहां से ले लेते हैं। तो चलिए यहां पे एक फोटो को मैं ले लेता हूं, ये वाली, उसका डन पर क्लिक कर लेता हूं। डन पर क्लिक करने के बाद यहां पे फिर क्रॉप करना है आपको, तो इस तरीके से आप लोग इमेज को जूम कर सकते हैं। तो चलिए मुझे क्रॉप नहीं करना है, डन पर मैंने जैसे ही क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहां पे एक फिर से एडवर्टाइज आएगी। एडवर्टाइज इसी वजह से आती है क्योंकि इसके आप लोग ने प्रीमियम यहां पे बाय नहीं करी है, इस वजह से। तो क्या है, आप लोगों को कैंसिल कर देना है एड को। उसके बाद यहां पे देख लीजिए वो जो इफेक्ट है मैं आप लोग को बताऊंगा, लव के अंदर था तो सबसे आप ये आप लोग को फर्स्ट वाला देखने को मिलेगा किस स्माइल, तो इस पर आप लोग को टैप कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं ये जो है आ गया है पार्टिकल, यहां से मैं हेलम में फुल कर लेता हूं। अब दोस्तों देख लीजिए इसके अंदर आप लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया हूं। अगर ये एडिटिंग आप लोग को नहीं पता है MBit को कैसे यूज करें, इसके अंदर एडिटिंग कैसी है, तो ये आप लोगों को स्पेशली आई बटन पर लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वहां से जाके मेरा आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और यहां पे देख लीजिए न्यू जो दिखा है वो सारे न्यू यहां पे ऐड किया गया है, और यहां पे साइड में मोर पर क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो कर देना लाइक, कर देना अपने साथ शेयर। मैं राहुल जैसल आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।